कांग्रेस के पसरट्टा बाजार स्थित कार्यालय पर सोमवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और विद्यार्थियों का टीकाकरण नहीं होने तक परीक्षा नहीं कराने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की और संचालन शहर अध्यक्ष विनोद कुमार कर्दम ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा कि प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के भाई को फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी दिला दी गई। यही नहीं, 1621 मौतों को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने 3 की संख्या बताई। ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना टीकाकरण के परीक्षाएं निरस्त की जानी चाहिए। जिला उपाध्यक्ष बीना गुप्ता, एडवोकेट और सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा, वर्तमान सरकार बच्चों की जान और जीवन से खेल रही है। भ्रष्टाचारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर और साथ ही साथ इस मांग को लेकर कि पहले वैक्सीनेशन कराया जाए फिर परीक्षाएं कराई जाए। ये देश का भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री गलत आंकड़े पेश करता है। देश की जनता को भ्रमित करने का काम ये प्रदेश और देश की सरकारें कर रही हैं और आज इसके विरोध में हमारे तमाम कांग्रेस के साथी जनपद के कोने कोने से मेरे ब्लॉक के अध्यक्ष कर जिले के पदाधिकारी शहर के पदाधिकारी फ्रंटल प्रकोष्ठ विभाग के तमाम साथी आज यहाँ हमारे सोशल मीडिया के तमाम साथी इस धरने में अपनी मौजूदगी से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और जय लल्लू जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और इस प्रदेश की तानाशाह सरकार के खिलाफ आज हम इस धरना प्रदर्शन में अपने पार्टी मुख्यालय। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।